नमस्ते आप सबको। आज आपका 184वें दिन का ईश्वरी वरदान और आपके इस चैनल पर आज हम फिर से आए हैं। परमपिता परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं बहुत गहराई से, लेकिन उसमें जाने से पहले हम फिर से एक बारी इस लिंक पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के जिनको जिनको योग आसन सीखने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी अपने शरीर की, खान पान में अपना वेट रिड्यूस करना है और रात की नींद ठीक करनी है, वो जाकर के ऊपर देख सकते हैं शांति से कैसे सोना है। तो आज के ईश्वरी वरदान में आज हम फिर से लौटते हैं। परमपिता परमात्मा कहना क्या चाहते हैं आज हमारे को, और वो तो हमें अपना बच्चा मानते हैं और हम उनको अपना पिता मानते हैं, तो पिता समान तो हर बच्चा होना चाहता है, तो परमात्मा के क्या वो संस्कार हैं, क्या वो आदतें हैं जो कि हमें भी अपने अंदर डालनी बहुत ज़रूरी है। देखें आगे बाबा कहते हैं आज के वरदान में, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले। कभी सोचा आपने कि हम परमपिता परमात्मा को तो भक्त बन करके पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम उनको कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो आत्मा का पिता परमात्मा, शरीर के पिता तो माता पिता आपके भी अलग हैं मेरे भी अलग हैं, वो एक जैसे हो नहीं सकते, लेकिन हम आत्माओं के पिता सबके, चाहे वो कितनी भी अरबों खरबों आत्माएं हों इस धरती पर पॉपुलेशन वाली, उन सब के पिता एक ही परमपिता परमात्मा है। और हम आत्माएं इस शरीर में रह करके हम कुछ देर के लिए पार्ट बजाने के लिए आई हैं, अपना रोल अदा करने के लिए आई हैं इस नाटक में, नाटकशाला में अपना किरदार निभाने के लिए आई हुई हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि शरीर समझने के संस्कार अलग होते हैं, शरीर समझने से आपके अंदर अहंकार के, ईर्ष्या के, नफरत के, घृणा के और डर के संस्कार भी आते हैं, वैर करते हैं हम औरों के साथ में। परमात्मा कहते हैं जैसे आप मुझे अपना मानते हो तो आपके संस्कार बदल जाते हैं और आप मेरे जैसे बनना शुरू हो जाते हो। तो बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार, बेसिक फाउंडेशन संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। हमारे पुराने से संस्कार है, बोलते ना ये आदत ने मेरे को दुखी कर दिया है, चाहे वो आलस्य की आदत हो, चाहे वो गुस्से करने की आदत हो, चाहे वो ईर्ष्या करने की आदत हो, या घृणा करने की आदत हो, या किसी की गलत बातें सुनने की आदत हो। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों को ये जो आदतें पड़ी हैं यही आपको दुखी बनाती हैं, कोई इंसान दुखी नहीं बनाता है, आपकी आदतें आपको दुखी बनाती हैं, लेकिन हम ब्लेम करते हैं औरों को। तो पुराने संस्कारों से मुक्त भवा, ये परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया है। विस्तार में चले, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट थॉट्स में क्या आता है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये सब कुछ तब आता है जब हमें अटैचमेंट होती है चीज़ों से, कोई आउटकम से अटैचमेंट होती है, मैंने ये किया मेरे को ये फल चाहिए, इतनी मेहनत करी इसका तो मेरे को नाम चाहिए चाहिए, तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो व्यर्थ संकल्प आते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक हाथ से करो दूसरे हाथ को पता ना चले, या अगर आप एक आँख से कर रहे हो दूसरी आँख को पता ना चले, इस हाथ पैर से अगर आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपके इस आँख मतलब कि आत्मा के अंदर ये प्रवेश ना हो कि मैंने किया है, आपने सिर्फ इस शरीर के द्वारा करवाया है, तो वो मेमोरी में प्रिंट ना हो आपकी कि मैंने किया, तब जाकर के व्यर्थ संकल्प नहीं आते हैं। व्यर्थ संकल्प को आने का कारण तो आप पहचान गए होंगे, मैंपन है ना, जब ये मेरा है वो मेरा है, ये मेरी है वो मेरी, हाँ मेरे हैं, ये सब कुछ सोचने से ही क्या होता है, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, किसने, ये सब कुछ आता है, तो वो व्यर्थ में आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देहाभिमान के संबंध से हैं। और पुराने संस्कार, पुरानी जो हैबिट्स होती है हमारी, है ना, कंट्रोल करने की हैबिट किसी को, फॉर एग्जांपल ये मेरे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, इसको मेरी ही सुननी है, मेरा ही सुने, कैसे नहीं सुनेंगे, ये क्या होता है, मेरेपन से आते हैं। और देहाभिमान, देहाभिमान मतलब कि अपने आप को शरीर मान लेना और शरीर के जो बच्चे पैदा किए हैं या शरीर के हस्बैंड वाइफ हैं या माता पिता हैं उनको अपना मान लेना। परमात्मा कहते हैं हर कोई मुसाफिर है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर, कोई अपना नहीं है मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एक कठोर या बिल्कुल क्रूर बन जाओ आप, कोई अपना नहीं है मतलब उसका ये अर्थ है कि अपने आप को शक्ति कैसे शाली बनाए ये सोच करके कि कोई अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है तो किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी, किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, ये नहीं, किसी से कोई भी अपने आप को आगे बढ़ाने की, या मेरी मदद करे या मुझे हेल्प करे या मेरे को सोचे या मेरे बारे में सोचे, मुझे याद तो करे, मुझे फ़ोन तो करे, मुझे चिट्ठी तो लिखे, अभी तो चिट्ठी की बात नहीं, व्हाट्सएप तो करे, ये सारी चीज़ें सोचना, ये भी इच्छाएं हैं। आजकल तो लोग
संबंधों में ऐसे फंसे रहते हैं कि घड़ी घड़ी व्हाट्सएप देखते हैं कि भैया मेरा मैसेज आया कि नहीं आया, उसने मेरे को रिप्लाई किया कि नहीं किया है। इसके बस इसकी भी स्ट्रेस, इसका भी चिंतन, इसका भी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है कि अगर कोई मैसेज नहीं आया तो घंटे घंटे तक वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप सोचिए जरा, अटैचमेंट्स, मेरापन कितना दुख देता है। मेरा मेरा मेरा, ये वो मेरा, वो मेरी, मेरा होकर के ऐसे कर दिया उसने, मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसको अपना समझा था। परमात्मा कहते हैं ये अंतिम जन्म है, कलयुग के अंत में हर कोई एक दूसरे के साथ में हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, तो कोई किसी का नहीं है। खेल को देखो, अपने हिसाब किताब चुकतू करो। परमात्मा ने कहा है कि अगर आपका धन का भी हिसाब किताब होता है, करोड़ों करोड़ों लूट जाते हैं अगर आपके, तब भी उसको एक हिसाब किताब समझो और आगे बढ़ते चलो। धन की बात ही नहीं है, तन की बात भी आती है। तो कोई अगर आपका तन आके खराब करते, कोई आपको गलत सुझाव देते, कोई डॉक्टर आपको गलत सर्जरी करते और आपके साथ में शरीर की प्रॉब्लम आए, उसको भी आप हिसाब किताब समझिए। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। तो परमपिता परमात्मा, जिनका शरीर नहीं, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो हमसे भी कुछ इच्छा नहीं रखते हैं। अगर वो सोचो, वो अगर हमसे इच्छा रखते और हम उनकी पूर्ण नहीं करते तो उनकी मनोवस्था कैसी होती। तो इसलिए परमपिता परमात्मा अपने आप को सदा ही आत्मिक स्वरूप में रहने के कारण कभी कोई शारीरिक इच्छाएं, शरीर की प्राप्तियों की इच्छाएं नहीं रखते। मुझे मिले, मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरे हिस्से का कहाँ है, मेरा हिसाब किधर है, मैंने जो किया उसका मेरे को रिटर्न क्या मिला है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, और तुम्हें भी ये नहीं सोच रहे कि तुमने इन्वेस्टमेंट करी है। वो हो गया कलयुग की सोच। तो परमात्मा कहते हैं आत्मस्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। तो परमात्मा पिता को निर्वैर कहते हैं, सिख धर्म निर्वैर, निर्भव है ना। तो कोई किसी से वैर नहीं करते, कोई ऊंचा नीचा नहीं सोचते, निर्भव, किसी से भय नहीं है, क्योंकि सत्य है। परमपिता परमात्मा सत्य है। तभी तो कहते हैं ना हम सत्यम शिवम सुंदरम। शिव मतलब शंकर नहीं, शिव मतलब बिंदु प्रकाश, गॉड इज लाइट। तो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंगम मतलब प्रकाश का चिन्ह, गॉड का चिन्ह है वो। तो परमपिता परमात्मा हाथ पैर वाले, कोई मनुष्य शरीर वाले नहीं हो सकते। वो सारे देवी देवता हैं, दिव्य पुरुष आत्माएं हैं, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं में रहा करते थे। तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा कनेक्शन सत्य पिता से जुड़ेगा। तो आत्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सत्य है। शरीर को सत्य नहीं कह सकते ना। आपका शरीर सत्य है, हमेशा के लिए है, नहीं है। मेरा शरीर भी सत्य नहीं। तो कोई भी शरीरधारी जिसकी भी हम पूजा पाठ करते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो सत्य नहीं है। वो क्या है, कुछ समय के लिए शरीर में हो, शरीर का विनाश होने वाला है, इसलिए विनाशी शरीरधारी को हम कभी भी भगवान कह नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परमात्मा विश्व कल्याण का सोचते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, परोपकारी, कोई आप उनके ऊपर कोई गाली भी करता है, भगवान तू ऐसा है, तू उसने ऐसे किया, तूने वो छीन लिया, तूने मेरा ये कर लिया, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो तेरा उपकार करता हूँ मेरे बच्चे। तो हम भी वैसे बने कल्याणकारी, सबका कल्याण करने के सोचे, रहम दिल, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर रहम कर रहे हैं। दुनिया वाले बोलेंगे अरे तुम क्या बेवकूफ हो, तुम क्या बुद्धू हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें जवाब नहीं देना आता इसको, तुम्हें उसको थप्पड़ नहीं माने आते हैं इस समय। परमात्मा कहते हैं यह परमात्मा के बच्चे के संस्कार नहीं है। तो ये चीज को सोचना भी विकारी है, पाप में जुड़ जाता है ऐसा सोचना भी। तो वरदाता है परमात्मा, वरदान देने वाला। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं, परमात्मा जैसे बन जाएं। परमात्मा कभी किसी की बुराई नहीं देखते, परमात्मा कभी किसी की खुसर खुसर नहीं करते इधर की उधर। परमात्मा कभी ये नहीं कहते कि ये मेरी जमीन है, इसने कैसे मेरी जमीन दबोच ली, वो क्या कर ली। परमात्मा कहते हैं मैं बेहद में हूँ, छोटी सोच नहीं है, मेरे बच्चों की भी इतनी छोटी सोच नहीं हो सकती कि वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करें, मेरे तेरे में फंसे रहे। तो परमात्मा कहते हैं उसी प्रमाण चलना है, इसी अनुसार चलना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। संस्कार तो है, हमारे पुराने संस्कार आ जाते हैं, लेकिन उनको हमें परिवर्तन करना है। वो कब होगा, जब हम अपने आप को परमपिता परमात्मा का बच्चा समझेंगे, भक्त नहीं। तो बच्चा तो परिवर्तन करता है ना अपने आप को, भक्त तो दूर वाला हो गया है ना। तो जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। संस्कार क्या है, चाबी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि सोच चाबी नहीं है, संस्कार जो बन जाते हैं सोच से वो चाबी है। हमारे संस्कार हमें गाइड करते हैं, रूल करते हैं, हमारी सोच तो कम होती है, लेकिन सोच को अगर हम बार बार सोचते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार ही, आदतें ही हमें गाइड करती हैं, कैरेक्टर बनाती है हमारा। फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। अगर संस्कार बदल लो, हैबिट डाल लो, तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सोचते रहो मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, लेकिन कोई संस्कार नहीं बनाए, हैबिट नहीं बनाई, तो फिर मेहनत लगती है। अरे कैसे करें, कब होगा, कैसे करूंगा। आदत बनाना बहुत जरूरी है। तो आज का यही श्रेय वरदान, परमात्मा जैसे हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, तब जाकर के हम मुक्त होंगे, परमात्मा जैसे आत्मिक स्थिति में रहेंगे और शरीर से मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन अगर शरीरधारी सोच कर रहेंगे तो शरीर की गलतियों में, शरीर की इच्छाओं में रहेंगे तो फंसे रहेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी इस जीवन में या अगले जन्म में भी। तो आज के ईश्वरीय वरदान, आप गहराई से सोचिएगा इसके बारे में। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।